जाता है, तो पंखे को नया डाले थे 4-5 को, और आज उसका रिजल्ट, आज उसका काम दिखाते हैं आप लोगों का, कैसा काम कर रहा है पंखा। एकदम बेहतरीन काम कर रहा है, पॉलिश एकदम साफ आ रहा है, पॉलिश में 1% भी टूटी नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी भुस्सी को, पूरी भुस्सी को टैंक में फेंक रहा है। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम अपना जो ढक्कन देख रहा हूँ मीडियम आप लोगों को, देखिए हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों ढक्कन खोले हुए हैं 2-2 इंच, क्योंकि हवा इतना ज़्यादा बना रहा है, ज़्यादा हवा बनाएगा तो टैंक में चावल फेंकने लगेगा, जैसे कुछ धान डर पहुँचे हैं तो वो भुस्सी जो है धान से, मतलब उन चावल से अलग नहीं होता है, तो चावल सही लोग पहुँचे उगा देते, भुस्सी में उगा देता है टैंक में। ले चलते हैं आपको मशीन के पास, धान थोड़ा हार्ड है इसलिए ट्रैक्टर को ज़्यादा आरपीएम पे चला रहे हैं, धान 5 मजदूरी है, ट्रैक्टर 1500 आरपीएम पे चल रहा है। ले चलते हैं आपको मशीन के पास और दिखाते हैं कि मशीन में चावल की और पॉलिश की क्वालिटी कैसे आ रही है, आप लोग वीडियो में देखते रहिए। पॉलिश तो एकदम बेहतरीन और चावल भी बेहतरीन आ रहा है, टूट नहीं रहा है 1%। हो सकता है कि ट्रैक्टर के पास जाने पर हमारी आवाज़ नहीं आए, तो वीडियो को ध्यान देखिए, पहले आप लोगों को पॉलिश दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग मशीन की परफॉर्मेंस देख चुके हैं कि कितना बेहतरीन काम हो रहा है पंखा डालने के बाद, तो आपके मशीन में अगर कमी है, भूसी आ रहा है पॉलिशर में, तो एक बार आप उसको ढक्कन को खोल कर देख लीजिए, कहीं आपका फैन तो खत्म नहीं हो गया है, अगर फैन खत्म हो गया होगा तो उसमें जो भूसी जो है आप रोक नहीं पाएंगे, पॉलिशर में जाएगा, तो पॉलिशर की और चावल निकालने की हर एक क्वालिटी ख़राब होगी, तो क्वालिटी को सुधारने के लिए आप अपने मशीन में ध्यान रखिए, और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी लगता है यार, लेकिन क्या बताएं आप लोग,
सब्सक्राइब नहीं करते हैं मन उदास हो जाता है। और लाइक कमेंट जरूर बताया करिए, लाइक जरूर करिए कि वीडियो पसंद आती है, हमारा मोटिवेट होते हैं हम। और कमेंट जरूर करिए कि आप लोग कौन से ज़िला से कहाँ से देखते हैं, हमारे आसपास से देख रहे हैं, हमारा घर हम फिर से बता रहे हैं, मोतिकेपुर सुल्तानपुर, मोतिकेपुर ब्लॉक थाना है हमारा, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है और ढेमा चौराहा गाँव है हमारा। अगर आप लोग आसपास से देखते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।